तुम्हारे आदमी है, मैंने मारा है, नीचे आ जाओ। जितेंद्र हूं, तुम्हारी बेटी से मैंने ही प्यार किया है। तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर तक आ गए? तुम्हारे घर में आने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं, दो पैर ही काफी हैं। यहाँ तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मरने से सिर्फ एक सेकंड पहले मैं तुम्हें मार दूंगा, ये मेरा दावा है। तुम गुंडे हो तो मैं स्टूडेंट हूँ, अगर भड़क गए तो स्टेट में स्टूडेंट से बड़ा कोई गुंडा नहीं। हमें भड़काना मत। नहीं। क्या भाई नहीं कहते हैं? आप हाँ कहिए, मैं इसे काट कर डाल। क्या डालेगा वे? हाँ? क्या डालेगा? चल डाल डाल, तू मेरा बाल बाल भी नहीं उखाड़ सकता। ए, 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 बाप जी, मैंने कहा ना नहीं। तुम्हारे पास ऐसे कितने आदमी है? 30 आदमी 40 आदमी 100 आदमी, ये सब लोग पैसे पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन हमारे कॉलेज में हम 4000 स्टूडेंट्स हैं, हम सब अपनी दोस्ती के लिए मरते हैं। याद रखना, तुम्हारी बेटी से मैंने प्यार किया है, कुछ बोलना है तो सीधे मुझसे कहो, देख लेंगे, लेकिन मेरे घर में जाकर मेरी मम्मी पापा से मत बोलो। एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनो, जिंदगी में प्यार और नौजवान से कभी मत उलझना, चलकर राख हो जाओगे। मैं तुम्हारी बेटी से प्यार करता रहूंगा, तुम्हारी ही बेटी से शादी भी करूंगा, अगर तुम में दम है तो मुझे रोक कर दिखाना, चलता हूँ। भाई ये क्या बात है भाई, वो आपको धमकी देकर चला गया और आप देखते रह गए? उसके अंदर मुझे 20 साल पहले का गौरी शंकर दिखाई दे रहा है। गुस्से वाला आदमी आग के समान होता है, और वो भी गुस्से में है। जीतना हारना हमारे हाथ में नहीं है। जब मैं मुंबई पहली बार आया था तो कोई गोपाल मुझे मारने आया था, मैं उसको मार सकता था ये मुझे नहीं पता था, लेकिन अंजनी ने उसे मार दिया, वो हार गया और मैं जीत गया। तब से लेकर आज तक मैं गौरी के नाम से जाना चाहता हूं। जो मौका मुझे मिला वो किसी और को नहीं दूंगा। सबसे भिड़ना आसान है, लेकिन स्टूडेंट से पंगा कभी नहीं लेना चाहिए, और अगर टकराना है तो सही समय पर टकराओ, गर्मी की छुट्टियों में। जब वो अकेला हो जाएगा तो काट डालूंगा। छुट्टियों के लिए और 2 महीने है ना, तब नंदिनी की शादी करेंगे। उस राममोहन को फोन लगाओ, शादी की बात करने के लिए बुलाओ। तब तक इस बात की खबर किसी और को नहीं होनी चाहिए, अगर ये बात बाहर गई तो मेरी इज्जत जाएगी। इज्जत बहुत बड़ी चीज है। जाओ, आपके घर ये रिश्ता होने जा रहा है, ये मेरा सौभाग्य है। ये सब आपका बड़प्पन है। आप जानते हैं ना, ये मेरी इकलौती बेटी है, मेरी संपत्ति जायदाद सब नंदिनी का है। ये बात बोलने की क्या जरूरत है समधी जी? बेटी नंदिनी नमस्ते। 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 हेलो, आप लोग क्या ले? एक मिनट, ठीक है भाई, फोन। एक्सक्यूज मी। ओके, क्या कर रही हो बेटी? कोई लेडीज है भाई। कौन से कॉलेज से? भवन कॉलेज। हेलो जीतेंद्र। बाद में फोन नहीं कर सकता क्या? अभी मौका मिला तुझे फोन करने के लिए, बाद में फोन कर। ए, फोन कट करोगे तो डायरेक्ट घर पर आ जाऊंगा। अच्छा बोल। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तुम्हें बेटी की शादी करनी है तो उसे प्यार से करो, मुझ पे गुस्से की वजह से नहीं। जिसके साथ उसकी शादी करवा रहे हो उसे देखा है? तबेले से भैंसे को उठा रहा है ऐसा लगता है, नंदिनी के पैरों की धूल भी है वो। हाँ, इससे तुझे कह लेना देना, इससे तुझे कह लेना देना। मैं भी यही कह रहा हूँ, बेकार काम करके अपना टाइम वेस्ट मत करो, तुम चाहे कुछ भी कर लो, नंदिनी की शादी मुझसे ही होगी। मैं तुझे चांद से मारूंगा। क्या बात है समधी जी? नहीं कोई बात नहीं समधी जी, ये मेरा करीबी आदमी है। बेकार में मत चिल्लाओ, मुझ पर ऐसे उलझने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, सब तुम्हें ही देख रहे होंगे, जरा हंसते हुए फोन रख दो। शाम को मिलते हैं ना यार, शाम को मिलते हैं। इसका फोन कब किया जाता?
था तुझे पता नहीं? जीतू है क्या? ये लो। मास्टर जी, और सब ठीक है ना? इस समर में जब कॉलेज की छुट्टियां होंगी उसी वक्त शादी की तारीख रख लेंगे। ठीक है। भोजन कर ले। नंदिनी, क्या ये शादी तुम्हें पसंद है? नहीं। फिर वहाँ इतनी खुशी से क्यों बैठी थी? ऐसे ही, पापा कुछ देर के लिए खुश रहेंगे इसलिए मैंने ऐसा किया। ये शादी नहीं होगी मम्मी। इतने विश्वास से कैसे कह सकती हो? जीतू ने कहा है। जीतू तुम्हारे पापा से बड़ा आदमी है क्या? तुम्हारे पति तुम्हारे लिए महान है तो जीतू मेरे लिए महान है। तुम जाओ, मुझे नहाना है। ये क्या है, इससे पहले तुम नहाकर तैयार नहीं हुई थी? उस जंगली जानवर को देखने के लिए कोई नहाकर तैयार होता है क्या? प्यार की कर ले पढ़ाई तो, प्यार की जान ले बातें तो, प्यार में डूब जा मेरे तो। मम्मी पापा के बारे में अब ना मैं सोचूं, सांझ सवेरे प्यार व्यार की बातें मैं करूं। क्या है आज मैं बोलूं तुझको, बोल दो, बोल दो। ए का मतलब है आनंद, बी से होता है प्यार का बंधन, सी है प्यार का चंदन। ऐसा क्या? डी का मतलब है प्यार का दर्पण। चार वादे मैं बोलूं तुझको जाना, बोल दो, बोल दो। पहला है साथ रहोगी सदा, गूंजा दिल में रहोगी मेरे सदा, तीसरा ना मुझको भूलोगी ना कभी नहीं, चौथा ना होगी तुम मुझसे खफा। सवेरे प्यार व्यार की बातें मैं करूं। भाई, सबको डराने वाला मैं, मुझे वो जीतू का बच्चा डरा रहा है। उसका नाम सुनकर ही मैं कांप उठता हूं। उसको मैं समर हॉलीडेज में मारना चाहता था, लेकिन तब तक वो मुझे चैन से नहीं बैठने देगा। मेरी बेटी को प्रेम में फंसाकर मेरे ही साथ खिलवाड़ कर रहा है वो। मैं भी उसके साथ उसी प्रेम से खिलवाड़ करूंगा। मैंने एक प्लान बनाया है, उसी प्लान से उसके टुकड़े टुकड़े करके। लेकिन इसकी खबर बेटी को ना होने पाए। इधर आ। क्या है आज मैं बोलूं तुझको, प्रेम
एक का मतलब है आना। पोस्टमैन, बी से होता है प्यार का, आपका लेटर है। सी है प्यार का चंदन। ऐसा क्या? बी का मतलब है प्यार का दर्पण। जीतू, कल शुक्रवार है, मैं संतोषी माता के मंदिर आने वाली हूँ, तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुमसे कुछ बात करनी है। नंदिनी,